हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकलपीडिया में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग, मीन्स MOSH, मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग। ये एक न्यू कोर्स है जिसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार मैंने पहले इसकी वीडियो अपलोड कर चुकी थी, इसको प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। बट उसमें बहुत सारी क्वेरी थी आप लोग की कि सर इस पर भी वीडियो बनाइए, इस पर भी वीडियो बनाइए, और कुछ बोल रहे थे, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कुछ साउंड की प्रॉब्लम आ रही है उसमें। तो इसलिए मैं फिर से एक बार कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से लेकर आपके कॉलेज के एग्जामिनेशन सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करूंगा, काफ़ी फायदेमंद आपके लिए होगा। इसलिए ये प्लेलिस्ट मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें हम ढेर सारी बातें करेंगे मैकेनिकल ऑपरेशन सॉलिड हैंडलिंग के बारे में। तो क्या क्या टॉपिक आज हम कवर करने वाले, ये आपके सामने लिस्ट लिखी हुई है जैसा आप पहले से जानते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि मैकेनिकल ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, MOSH की जरूरत क्यों पड़ी और क्या करते हैं इसमें हम। दूसरी बात करेंगे यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन क्या होता है, जो इंडस्ट्री सारी इंडस्ट्री चलती है वो दो चीज पे मिलकर चलती है, आप लोगों को पता है, यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस। तो उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, यूनिट ऑपरेशन क्या है, यूनिट प्रोसेस क्या है। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट क्या बात करेंगे, साइड रिडक्शन, जो आपके MOSH का पार्ट है, साइड रिडक्शन क्या होता है, उसके बारे में क्या होते हैं, क्या इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन उसके बारे में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट या मेथड, मीन्स किस किस मेथड से हम साइज रिडक्शन करते हैं और क्या इक्विपमेंट हम यूज करते हैं उसके लिए। ये सारी बातें इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब के। इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लें कि MOSH क्या है। MOSH को आप समझ सकते हैं दो पार्ट में, MO और SH, मीन्स मैकेनिकल ऑपरेशन के थ्रू जो सॉलिड की हैंडलिंग की जाती है उसे बोलते हैं मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग। मीन्स मैकेनिकल फोर्स या मैकेनिकल सिस्टम के थ्रू हम जो सॉलिड की हैंडलिंग करते हैं इंडस्ट्री में, उसे MOSH के अंदर डाला गया है। इसमें करते हैं हम सॉलिड हैंडलिंग, MOSH में मोस्टली हम करते क्या है, किसी भी इक्विपमेंट का साइज रिडक्शन करना, मतलब बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना। दूसरा क्या है, हम क्रशिंग ग्राइंडिंग करते हैं, मीन्स पाउडर फॉर्म में सॉलिड को कन्वर्ट करना, फिल्टरिंग करना, सेडिमेंटेशन करना, ये मेनी ड्राइंग करना, मेनी प्रोसेस हमारे होते हैं जो हमारे मैकेनिकल ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इस प्लेलिस्ट में पूरी, ठीक है। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन हो गई कि कैसे सॉलिड को हैंडल करके हम इंडस्ट्री में फीड करते हैं, वो हम MOSH के अंदर पढ़ेंगे, ठीक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमारा यूनिट ऑपरेशन क्या है, ठीक ना। अब बात करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट से अपने यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन इतना इजी वे में आप समझेंगे, पहले भी आपने वीडियो देख चुकी होगी, इतना इजी वे में आप समझेंगे कि आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट देखते जाइए। यूनिट ऑपरेशन तो आप सिंपल सा डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, अगर कोई पूछे, यूनिट ऑपरेशन वह प्रोसेस है जिसमें केवल फिजिकल चेंजिंग होती है, केमिकल चेंजिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, मीन्स सिर्फ फिजिकल चेंजिंग होती है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा स्टोन आपके पास था, बड़ा सा स्टोन था, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में आप ब्रेक कर दें, तो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो आप क्या चीज़ यहाँ देखें, सिर्फ इसके फिजिकल साइज छोटी होती चली गई, बल्कि है तो स्टोन ही, ये भी आपका स्टोन था और ये भी आपके स्टोन्स हैं ढेर सारे, ये भी स्टोन, ये भी स्टोन, मीन्स उसके फिजिकल पार्ट्स में चेंज आई है, बल्कि वो स्टोन का स्टोन है, केमिकल कोई चेंज नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि ये स्टोन था और कोई दूसरा प्रोडक्ट हमें मिल गया तो उसमें केमिकल चेंजिंग होती, सिर्फ इसमें फिजिकल चेंजिंग हुई, मीन्स स्टोन था स्टोन मिल गया, बस साइज उसकी रिड्यूस हो गई, ये होती है यूनिट ऑपरेशन। क्या बोल सकते हैं, जिसमें केवल फिजिकल चेंजिंग हो, केमिकल चेंजिंग ना इन्वॉल्व हो, ये हो गया हमारा यूनिट ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं यूनिट प्रोसेस के बारे में, चलिए देखते हैं यूनिट प्रोसेस क्या है। यूनिट प्रोसेस तो आप यूनिट प्रोसेस क्या बोल सकते हैं, और ध्यान रखिए ये सब इंटरव्यू में आपसे बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, इसलिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। यूनिट प्रोसेस क्या होते हैं, यूनिट प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसमें हमारी केमिकल चेंजिंग इन्वॉल्व होती है, मीन्स फिजिकल चेंजिंग तो हो सकती है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पर, बट केमिकल चेंजिंग इन्वॉल्व होती है। जैसे एग्जाम्पल आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने वाटर लिया, वाटर को किसी के साथ रिएक्ट करा दिया, मान लेते हैं एक्स कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करा दिया और कोई हमें वाई प्रोडक्ट मिल गया, मीन्स वो वाटर नहीं है, हमने वाटर लिया था इनिशियल में, किसी के साथ रिएक्ट करके वो दूसरा कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ये आपका फीड था या रिएक्टेंट बोल सकते हैं, रिएक्टेंट था, रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट, दूसरा कोई प्रोडक्ट मिल गया, तो इसको बोलते हैं हम यूनिट प्रोसेस, इसको हम यूनिट प्रोसेस बोलते हैं। जैसे आपने दूध लिया, वो दही में कन्वर्ट हो गया, अब ऐसा नहीं हो सकता ना दही दूध में कन्वर्ट हो जाता, इसको बोलते हैं यूनिट प्रोसेस।
कोल था, कोयला था, उसे बर्न करके, बर्न कर दिया तो अब दोबारा वो कोयला नहीं बन सकता ना, तो इसको बोलते हैं यूनिट प्रोसेस। मीन इसमें केमिकल चेंजिंग इन्वॉल्व होती है, उसे बोलते हैं यूनिट प्रोसेस। इन दोनों की डिफिनेशन आप 100% याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ आपको इंटरव्यू में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। अब हम बात करते हैं क्या होता है साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन के बारे में बात कर लें। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, अगर आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आप कॉन्सेप्ट को नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ, साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन के बाद जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, दो पार्ट्स में ब्रेक कीजिए। साइज एंड रिडक्शन, साइज मींस कोई शेप हो सकता है, साइज शेप हो सकता है कितना बड़ा कोई चीज है। रिडक्शन मींस उसे छोटा करना, तोड़ना, इसे बोलते हैं साइज रिडक्शन। मींस किसी भी बड़े पार्टिकल्स को या बड़े प्रोडक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना, उसे बोलते हैं साइज रिडक्शन। जैसे एग्जाम्पल, कोई आपके पास बड़ा सा मटेरियल था, कोई भी मटेरियल था, इसको आपको ब्रेक कर देना छोटे, इससे बड़े पार्टिकल में, इससे छोटे पार्टिकल में, मींस इसके साइज को रिड्यूस कर देना हमारा होता है साइज रिडक्शन। अब ये बोलेंगे सर साइज रिडक्शन तो बहुत ही इसके नाम से पता चल जाता है, तो साइज रिडक्शन की जरूरत क्या पड़ी, क्यों हमें पढ़ा रहे हैं, तो उसकी जरूरत क्या है, ये जो साइज रिडक्शन होते हैं उसके मेथड क्या होते हैं, इधर आप लिख भी सकते हैं साइज रिडक्शन के मेथड, मींस किस किस मेथड के थ्रू हम साइज रिडक्शन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको कितने तरीके से हम कर सकते हैं साइड रिडक्शन, आप देखिए। नंबर एक, साइड रिडक्शन किससे कर सकते हैं, कंप्रेशन। कंप्रेशन ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, पॉइंट डाउन करते रहिएगा, कंप्रेशन। सेकंड नंबर का जो चीज है हमारे पास, इंपैक्ट। इंपैक्ट नंबर थर्ड जो होता है वो एट्रीशन, या रबिंग भी होता है, रबिंग एंड एट्रिशन आप लिखिए ज्यादा सही रहेगा। नंबर फोर्थ होता है वो कटिंग होता है। ये हमारे चार मेथड होते हैं जो साइज रिडक्शन में यूज किए जाते हैं, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ये चार जो मेथड हैं वो साइज रिडक्शन में यूज किए जाते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि किसका क्या फंडा है, कैसे वर्क करता है। कंप्रेशन, कंप्रेशन की बात करते हैं, कंप्रेशन में से कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स हम लगाते हैं, तो मान लो ये कोई बड़ा सा मटेरियल था, इस पर कंप्रेसिव फोर्स हमने लगा दिया, ये ब्रेक होके छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, ब्रेक होगा छोटे छोटे पार्ट्स में, तो इस फंडे को बोलते हैं हम कंप्रेशन, कि कंप्रेसिव फोर्स के थ्रू किसी बड़े मटेरियल को छोटे मटेरियल में रिड्यूस कर देना, ठीक। अब आता है इंपैक्ट की बात, इंपैक्ट जो होता है, अब कंप्रेशन में जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है वो हमेशा हमें फीड की साइज से थोड़ा सा रिड्यूस, अगर हमारा 5 मीटर का साइज है तो उसे बिल्कुल 2 से 3 मीटर का हमें मिल जाएगा, मीन्स कोर्स साइज ही रहेगा, बहुत ज्यादा रिड्यूस छोटा नहीं कर देगा, बस उसे ब्रेक करेगा, ओके। अब इंपैक्ट की बात करें, इंपैक्ट में हमें 3 से 4 टाइप का प्रोडक्ट मिलता है, जैसे इंपैक्ट में कैसे, नंबर एक कोर्स, कोर्स प्रोडक्ट मिलता है, नंबर दो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है, थर्ड नंबर जो होता है फाइन प्रोडक्ट मिलता है, और नंबर फोर मिलता है जो वो अल्ट्रा फाइन। अल्ट्रा फाइन मीन्स जब आप इंपैक्ट प्रिंसिपल यूज करते हैं तो ये चारों तरीके के आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं, कोर्स भी मतलब बड़े बड़े प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट मतलब जो फीड करते हैं उसे थोड़े से छोटे मिलेंगे, फाइन मीन बहुत ही फाइन प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, अल्ट्रा फाइन मतलब बिल्कुल माइक्रो लेवल साइज के आपको मिलेंगे, ठीक है ना। बट पाउडर नहीं है, पाउडर भी मिल सकता है, क्या है कि जो इम्पैक्ट है इससे हम, क्योंकि ये हमारा जो इम्पैक्ट है ये हमारे प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं, मतलब जब हम साइड रिडक्शन करते हैं तो आगे चल के मैं इक्विपमेंट में बताऊंगा इक्विपमेंट क्या होते हैं, बट इनसे जो प्रिंसिपल यूज करते हैं इतने तरीके का प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं, बड़े छोटे फाइन अल्ट्रा फाइन टाइप के, ठीक है ना, ये इंपैक्ट हो गया। अब हमारा बात आ गया वो हमारा एट्रीशन या रबिंग की, तो इससे ये प्रिंसिपल यूज करने से हमें जो प्राप्त होता है वो अल्ट्रा फाइन प्रोडक्ट, अल्ट्रा फाइन, अल्ट्रा फाइन प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। मीन्स जब आपको अल्ट्रा फाइन प्रोडक्ट प्राप्त करना होता है तो आप एट्रीशन प्रिंसिपल को यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कटिंग, जैसा कि आपको नाम से पता चला कटिंग, कि मीन जिस साइज का आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है उस साइज का प्राप्त करने के लिए आपको कटिंग प्रिंसिपल यूज करते हैं, कि कट करके हमें इतने साइज का प्रोडक्ट चाहिए। ये हमारा हो गया साइज रिडक्शन के मेथड, कि इतना मेथड हम यूज करके अपने
फीड को प्रोडक्ट लाइक हम बना सकते हैं ताकि इंडस्ट्री में हम फीड कर सके उसके लिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ साइज रिडक्शन मेथड एंड इक्विपमेंट। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, आपको कॉलेज टाइम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये चारों प्रिंसिपल आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक। कुछ भी इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझना है, ठीक है ना। एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, अभी बताता हूं क्या आपको जानना है। और एक चीज, जो आपने यूनिट ऑपरेशन या यूनिट प्रोसेस पढ़ा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। मैं बताता हूँ क्या, जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप कोई इंडस्ट्री में जाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज देखते हैं, मतलब कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, तो आप हमेशा याद रखिएगा फॉर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में हमेशा जो इंडस्ट्री बनी होगी वो यूनिट ऑपरेशन के साथ साथ प्लस यूनिट प्रोसेस, इसको आप एक ब्रैकेट बना के नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी इंडस्ट्री होगी वो यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं किया जाता है। कोई भी प्रोसेस हो रहा होगा वो या तो यूनिट ऑपरेशन होगा या तो यूनिट प्रोसेस, दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म को हम इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं, ठीक है। इतनी चीज हो गई। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइड रिडक्शन मेथड। तो चलिए इसको आप कॉपी ले लीजिए, उसमें नोट डाउन करिए कि क्या होते हैं हमारे क्लासिफिकेशन, कैसे किया गया इसका, साइज रिडक्शन जो हमारे इक्विपमेंट है उसका कैसे किया गया। देखो तो यहाँ लिख सकते हैं साइज रिडक्शन इक्विपमेंट या मेथड, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों नाम से पूछे जा सकते हैं। तो इसके दो ब्रांच हमारे, साइज रिडक्शन हम दो तरीके से करते हैं, एक हम क्रशिंग के थ्रू, एक ग्राइंडिंग। तो क्रशिंग जिससे करते हैं उसे क्रशर बोलते हैं, क्रशर, और जो ग्राइंडिंग जिससे करते हैं उसे ग्राइंडर बोलते हैं, क्रशर एंड ग्राइंडर। क्रशर के थ्रू हम क्रश करते हैं मतलब तोड़ते हैं, ग्राइंडर के थ्रू हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा जब इसका क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा, ठीक। अब क्रशर करने मतलब क्रशिंग करने के लिए हमारे तीन मेथड हैं, देखते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट है वो तीन। एक हमारा है जॉ क्रशर, जॉ क्रशर। एक होता है जेरेट्री क्रशर, GYRATORY, जेरेट्री क्रशर। जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी वो कमेंट बॉक्स में आप तुरंत डालेगा, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा, ये तो आप जानते ही होंगे। एंड थर्ड है रोल क्रशर, रोल क्रशर। ये तीन हमारे क्रशिंग करने के इक्विपमेंट हैं, इसके भी ब्रांचेज हैं, जैसे रोल क्रशर में टूथ रोल क्रशर, डबल टूथ रोल क्रशर होते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट ये आपको बिल्कुल जानना है, ठीक। ग्राइंडर में हमारे दो इक्विपमेंट हैं, ग्राइंडर में हमारे दो इक्विपमेंट हैं, बेसिकली तीन भी कर सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको। ग्राइंडर में हमारे हैं जो हमारा बॉल मिल एंड हैमर मिल। एक होता है हमारा थर्ड जो न्यू इन्वेंशन हुआ था जल्दी ही लेकिन काफी ज्यादा यूज हो रहा है, वो हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल। ये तीन हमारे हमारे जो ग्राइंडिंग करने के मीन्स पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले इक्विपमेंट हैं वो हमारे ये हैं, हैमर मिल, बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। और जो हमारा क्रश करने के लिए मीन्स पार्टिकल्स को पाउडर नहीं बनाएंगे बल्कि छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे, उसके लिए जॉ क्रशर, जेरेट्री क्रशर एंड रोल क्रशर। इस वीडियो में बस इतना ही मैं बताना चाहूंगा, बाकी जो एक एक आप लोग का एक क्या था कि सर एक वीडियो में दो तीन इक्विपमेंट आप मत बताया करिए, जिसका होता है एक तो बोर भी हो जाता है, पूरा वीडियो देखने में लेंदी हो जाता है, उसे एक एक पार्ट्स को आप डाला करिए। जैसे एक दिन आप क्रशर बता रहे हैं तो जॉ क्रशर एक दिन, जेनेटिक क्रशर एक दिन, रोल क्रशर एक दिन, काफी बच्चे ये बोले थे। तो मैं सोच रहा हूँ इस बार ऐसा एक बार अप्लाई करके देखूँ कि आप लोग का रिस्पॉन्स कैसे है, नहीं तो फिर मैं तो आगे करता रहूंगा जैसा आप बोलेंगे। एक बार सिंगल सिंगल करके मैं देखता हूँ और उसे बेटर भी होगा क्योंकि